त्यागी जी लिखते हैं, वो मजलूम नहीं जिसको घेरे हों सियासी फंदे, तख्त पलट के रख दूं एक बाजी में, शतरंज की ऐसी गहरी चाल हूँ मैं, बुझता दिया नहीं मसाल हूँ मैं। अब हाथों में मसाल थी और लगा कि जंग आर पार की है। हम बात कर रहे हैं सागर की और बात हो रही है पुराने बस स्टैंड को बचाने की। कुछ भूखे लाचार बेबस लोग इस हड़ताल को, इस जंग को और ताकतवर बना रहे हैं। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। कुछ गरीबों के इस पुराने बस स्टैंड से रोजगार जुड़े हैं, यादें जुड़ी हैं और गरीब जब जब खड़ा होता है तो कयामत तक लड़ाई लड़ने की ताकत रखता है। आज लगा कि सड़कों पर कोई निकला है, हाथों में मसाल लिए कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि पुराना बस स्टैंड वापस करो। यह जुलूस सागर की सड़कों से बस स्टैंड से शुरू होता हुआ 3 बत्ती पर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर तब्दील हो गया। मुद्दतों के बाद ऐसा आंदोलन देखा है। अब आंदोलन में सागर के गौरव डॉक्टर गौर का नाम जोड़ दिया गया है। उनके नाम पर बस स्टैंड था, बिना जनता से पूछे उसे 6 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। सिविल लाइन चौराहे पर गौर साहब की मूर्ति थी, बिना जनता से पूछे उन्हें कोने में बैठाल दिया गया। गौर साहब सागर का गुरूर हैं, गौरव हैं। उनका जहां नाम जुड़ा हो उसके साथ अदब से पेश आए, नहीं तो जिस दिन डॉक्टर गौर के सपूतों ने हुंकार भर दी, प्रशासन और राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आज सागर के बस ऑपरेटर्स के साथ बड़ी तादाद में जनता खड़ी थी। अब खबर है कि आने वाले दिनों में छात्र भी बस ऑपरेटर्स के साथ खड़े हो सकते हैं। कलेक्टर साहब खामोश हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश है, नेता लोग खामोश हैं, लेकिन बस ऑपरेटर्स, व्यापारी, आम आदमी उग्र दिखाई दे रहा है। वो दिन अब दूर नहीं कि जंग और भीषण होने वाली है। आंदोलन में भले बस ऑपरेटर्स के स्वार्थ छिपे हों, लेकिन उससे आम जनता को फायदा होता दिखाई दे रहा है। उसे किराया चौगुना देना पड़ेगा। मशहूर लाइन है कि हर दिन महाभारत, हर रात करबला है, सचमुच मरा है इंसान की ये भी चुटकुला है। इस सियासत और राजनीति को इतना गंदा मत करो कि आम आदमी तुमसे नफरत करने लगे। फैसले जनता की मंशा से लेना चाहिए, फैसले जनता के अनुसार लेना चाहिए। जो हुक्मरान, जो सरकारें जनता को नजरअंदाज करके फैसला लेती हैं, आने वाले दिनों में इतिहास गवाह है कि वो सरकारें कुर्सियों पर नहीं रहती। ये हमने देखा है और आपने देखा है। इसलिए जनता के लिए जो विकास कर रहे हो, कम से कम जनता से तो पूछ लो। कि उसे नए बस स्टैंड कितने अच्छे लगते हैं और पुराना बस स्टैंड उसे कितना अच्छा लगता है। सागर में कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर वो लोग हों जो फोर व्हीलर में सफ़र करते हैं। हम ये कहेंगे कि आपको पुराने बस स्टैंड के खिलाफ एक भी गरीब आदमी नहीं मिलेगा और गरीब आदमियों की सागर में तादाद 75% है। 75% की आवाम वो गरीब जिस दिन सड़क पर निकल गया तो फिर हल्ला भीषण होगा। नफीज खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।